दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और शॉन मनुचुआ से छुटकारा पाने के बाद शिमला दिमाग को ठंडा करने के लिए और वहाँ मस्ती करने के लिए गए हुए थे। आज वो तीनों ट्रेन से घर वापस आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे तो अब लंगोट बाबा की याद आने लगी है। जैसे ही हम घर जाएंगे तो बाबा से भी मिल लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और अगर वो नहीं होते तो हम शॉन को मनुचुआ से बचा नहीं पाते। बुल्ली कहता है, सही बोल रहे हो गुल्ली, शॉन को भी जाकर उनको थैंक्स बोलना चाहिए, पर शॉन का तो अलग ही स्वैग है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है। तभी ये सब सुनकर शॉन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, और रही बात मनुचुआ से बचने की तो मैं खुद उसे धूल चटा देता। तुम्हारे उस लंगोट बाबा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन ये कहकर चुप हुआ, तभी वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी और उसकी उंगली पकड़े एक छोटी सी बच्ची उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गुल्ली की नज़र उस छोटी सी बच्ची पे गई। गुल्ली उसे स्माइल देकर उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की अजीब सा बर्ताव कर रही थी, जैसे मानो वो अलग ही दुनिया में है और इस दुनिया का उसको कोई होशो हवस नहीं है। गुल्ली को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछता है, सुनो चाचा, मुझे लगता है गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा कहते हैं, हाँ बेटा, कुछ दिनों से इसको ये समस्या हुई है, न तो खाना ढंग से खाती है और ना ही अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है, और मैंने इसे अकेले में खेलते और किसी से बातें करते देखा है। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं इसे टिकटॉक गांव में चूरन बाबा के पास ले जा रहा हूँ। सुना है वो बाबा चूरन छिड़ककर ऐसी बीमारियाँ चुटकियों में दूर कर देते हैं। ऐसी बातें सुनकर नाटी बॉय शॉन गुड़िया से डरकर थोड़ा दूर चला जाता है। तभी गुल्ली कहता है, चाचा आप गुड़िया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और ऐसे किसी चूरन बाबा के चक्कर में मत पड़ो। तभी ये सुनकर पॉटी बॉय शॉन कहता है, देखो तो कौन ज्ञान दे रहा है जो खुद किसी लंगोट बाबा के चक्कर में है। बुल्ली गुस्से में शॉन को देखता है और शॉन बुल्ली को स्माइल देता है। तभी ट्रेन आ जाती है और गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन के अंदर जाते हैं। तभी वो चाचा और गुड़िया उसी ट्रेन में सफ़र के लिए चढ़ जाते हैं और शॉन दौड़ते हुए खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी बुल्ली कहता है, शॉन मुझे वहाँ बैठने दो, मुझे उल्टियाँ आती हैं सफ़र के टाइम। पॉटी बॉय शॉन कहता है, इतनी सीटें खाली हैं, कहीं भी जाकर बैठ जाओ, मुझे परेशान मत करो। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ट्रेन में मस्ती करते हुए घर वापस आ रहे थे। ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए तीनों पूरे डब्बे में मस्ती मार रहे थे। गुल्ली कहता है, शॉन अब तो तुम शिमला में अपना दिमाग भी ठंडा कराए, अब तो तुम्हें मनुचुआ के सपने नहीं आते हैं ना, मैंने कल तुम्हें नींद में बड़बड़ाते सुना है, लगता है तुम अब भी मनुचुआ को याद करते हो। तभी पॉटी बॉय शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, वो रात को मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था, और हाँ मैं किसी मनुचुआ से नहीं डरता। बुल्ली कहता है, रहने दो फेकू शॉन, अगर अभी मनुचुआ तुम्हारे सामने आ गया ना तो तुम पैंट में सूसू कर दोगे। तभी गुल्ली और बुल्ली दोनों शॉन के ऊपर हंसने लगते हैं। शॉन गुस्से में कहता है, हंस लो तुम दोनों जितना हंसना है, पर याद रखो रोनाल्डो ने मुझसे ही कराटे की क्लास ली थी। तभी गुल्ली और बुल्ली फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुल्ली हंसते हुए कहता है, शॉन रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर है, कोई कराटे चैंपियन नहीं है। तभी बुल्ली दोनों को चुप करा देता है और कहता है, अब सब चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ये ट्रेन जिस जंगल से निकल रही है, इस जंगल में कुछ लोगों ने एक हंसते हुए इंसान का गला तलवार से अलग कर दिया था। तभी शॉन ये सुनकर गुल्ली के पास आकर बैठ गया और कहता है, फिर क्या हुआ। बुल्ली कहता है, अब उस हंसते हुए इंसान की मुंडी जो भी इंसान यहाँ हंसता है उसे दिखाई देती है, और जो भी उस मुंडी को देख लेता है वो फिर कभी हंस नहीं पाता। तभी अचानक ट्रेन उस जंगल में रुक जाती है। शॉन डर के मारे गुल्ली से चिपक जाता है और कहता है, मुझे लगता है ट्रेन इस जंगल में उस मुंडी ने ही रोकी है। तभी गुल्ली और बुल्ली दोनों शॉन की तरफ देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं, और बुल्ली कहता है, शॉन तुम कितने फट्टू हो, झूठी कहानी में ही डर गए। ये सुनकर पॉटी बॉय शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं चुपचाप बैठ जाता है। गुल्ली कहता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं आखिर ट्रेन इस जंगल में क्यों रुकी है। तभी बुल्ली और गुल्ली दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं और शॉन गुस्से में वहीं बैठा रहता है। गुल्ली बुल्ली दोनों बाहर देखते हैं कि ट्रेन के आगे एक पेड़ टूटा पड़ा है, इसलिए ट्रेन आगे नहीं जा पा रही है। तभी गुल्ली को दाएं तरफ कुछ हीरे जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है और वो उस तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक बॉक्स को देखता है जिसके ऊपर हीरे जैसा कुछ लगा था, और वो बॉक्स देखने में बहुत महंगा लग रहा था। ये देख गुल्ली उस बॉक्स को उठा लेता है, और तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है क्योंकि अब ट्रेन जाने वाली है। वो जो पेड़ था पटरी पे वो हटा दिया गया है। गुल्ली दौड़ते हुए ट्रेन के अंदर आ जाता है।
गुल्ली गुल्ली से पूछता है, कहाँ गए थे गुल्ली? गुल्ली कहता है, मुझे ये कीमती बॉक्स मिला है। ऐसा बोलते ही शॉन उठकर गुल्ली के पास आ जाता है। गुल्ली कहता है, किसी अनजान जगह से तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, और वैसे भी ये बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, इसको अभी फेंक दो। तभी शॉन गुल्ली से वो बॉक्स छीन लेता है और उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में एक सीढ़ी निकलती है। तो गुल्ली कहता है, मुझे तो लगा इसमें बहुत सारे हीरे होंगे, पर इसमें तो ये सीढ़ी ही निकली जो हमारे कुछ काम की नहीं है। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, अब तुम इसे फेंक दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है, वैसे भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी पॉटी बॉय शॉन गुल्ली पर हंसते हुए बोलता है, फट्टू तो तुम हो गुल्ली, और मुझे फट्टू बोलते हो, और मुझे तो लगता है इस सीढ़ी के अंदर किसी खजाने का राज है, मैं तो इसे नहीं फेंकने वाला हूँ। गुल्ली कहता है, कोई बात नहीं शॉन, तुम इसे ले लो। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन का लास्ट स्टॉप आ जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। तभी गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है तो उस ट्रेन के पास एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। गुल्ली को ऐसा लगता है कि वो उसका वहम है और वो ये बात किसी को नहीं बताता, और वो घर की तरफ वापस चला जाता है। तो दोस्तों, क्या गुल्ली ने वो बॉक्स उठाकर सही किया? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।